बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? आज का वीडियो सब्बे कदर फजीलत के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे इस्लाम के प्यारे भाइयों, आप वीडियो पूरा देखे करो और जब ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा वीडियो है तो आप पूरा देखते हो लेकिन इस्लामिक वीडियो पूरा नहीं देखते। तो दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर लाजमी क्या करो, क्योंकि ये फी सबीलिल्लाह है, क्योंकि हमारे क्योंकि दीन तबलीग है और दीन फैलाओ। खुद भी अगर तुम फैलाना चाहते हो तो खुद भी फैलाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी क्या करो और आखिरी तक बना रह करो। 10-15 मिनट से कुछ नहीं हो जाएगा कोई अच्छी बात सुनने के लिए। तो दोस्तों, सब्बे कदर, आपको बता दें रमज़ान की रातों में एक रात सब्बे कदर कहलाती है, जो बहुत ही खैर व बरकत वाली रात है और जिसमें इबादत करने को कुरान करीम सूरतुल कदर में हजार महीनों से अफजल बतलाया गया है। हजार महीनों के 83 साल और 4 महीने होते हैं। गोया इस रात की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत से ज़्यादा बेहतर है और हजारों महीनों से कितना ज़्यादा है ये सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशादात से मालूम होता है कि ये रात रमज़ान के आखिरी अशरा में होती है। तो आपको बता दें, जो आखिरी दिन होते हैं दोस्तों, जो यानी कि 20 दिन गुजरने के बाद फिर आखिरी जो दिन होते हैं उसी में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला बोलता है और प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत करिए। लिहाजा इस आखिरी अशरा एक लम्हा भी जाया ना होने दें। पांचों नमाज को बाजमात पढ़ें का एहतमाम करें, दिन में रोज़ा रखें, रात को बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारें, तरावी और तहज्जुद का एहतमाम करें, अल्लाह का जिक्र करें, दुआएं करें और कुरान की तलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकति वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मन कुल्लि अमर सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र। बेशक हमने कुरान पाक को सब्बे कदर में उतारा है, यानी कुरान करीम को लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर इस रात में उतारा है। आपको कुछ मालूम भी है कि सब्बे कदर किसी अजीम अलशान है, यानी इस रात की बड़ाई और फजीलत का आपको इल्म भी है। कितनी खूबियाँ और किस कदर फजाइल इसमें हैं। इसके बाद चंद फजाइल का जिक्र फरमाते हैं। सब्बे कदर हजार महीनों से बेहतर है, यानी हजार महीनों तक इबादत करने का जितना सवाब है इससे ज़्यादा सब्बे कदर की इबादत का है, और कितना ज़्यादा है ये अल्लाह ही को मालूम है। इस रात में फरिश्ते और हजरत जिब्राइल अपने परवरदिगार के हुक्म से हरा उमर खैर को लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं और ये खैर व बरकत फजर की तलू होने तक, फजर की नमाज के तलू होने तक रहती है। तो दोस्तों, हम आपको बस यही बताते हैं कि इस जो पाक बरकत ये रात है इसको जाया ना करो, अपनी आखिरत संभालो। सूरतुल अलक की इब्तदाई चंद आयात इकरा बिस्मी रब्बी कल लजी खलक से कुरान करीम के नवाजुल का आगाज हुआ। इसके बाद आने वाली सूरतुल कदर में बयान किया कि कुरान करीम रमदान की बाबरकत रात में उतरा है, जैसा सूरतुल अहद में आपको बता दें, सूरतुल अहद खान की आयत 3, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल मुबारक, सूरतुल अलबकरा की आयत 185, शहर रमदानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान में
ये मदमून सराहत के साहत मौजूद है। सभ्य कदर के दो मायने हैं और दोनों ही यहाँ मखसूस हैं। एक ये के ये वो रात है जिसमें तकदीरों की फैसले किए जाते हैं, यानी कि हम सब की तकदीरों के फैसले किए जाते हैं। जैसा कि सूरतुल खान सूरतुल सूरा अल खान आयत 4 में है, फीहा युफुराकु कुल्लू अम्र हकीम, यानी इस रात में हर हिकमत वाले का हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। दूसरे माने में ये है कि ये बड़ी कदर मजलित और अजमत व शरफ वाली रात है। तो दोस्तों, इस रात को तुम थोड़ा सा भी जाया ना करो, ये सब बेकदर है। आ रही है सब बेकदर, रमज़ान की 26 तारीख को तो बनाया हम इस सब कदर आता है। और इसमें जो के आपको बता दें, इस रात में कुरान करीम नाजिल होने का मतलब लो महफूज से आसमानी दुनिया पर उतरना है, या उस रात में ये पूरा कुरान करीम हामिल वही फरिश्तों के हवाले किया जाना मुराद है, या ये मतलब है कुरान करीम के नाजुल की इब्तदा इस रात में हुई और फिर वाकियात और हालात के मुताबिक वकता फौ कता 23 साल के अरसे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सब्बे कदर की फजीलत अहादीस की रोशनी में आपको बता दें इसकी कितनी बड़ी फजीलत है दोस्तों। तो ये आपको बता दें, क्योंकि जो हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल की अरसे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। दो रिवायत आती है सब्बे कदर के फजीलत अहादीस की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जो शख्स सब्बे कदर में ईमान के साथ और सवाब के नियत से इबादत के लिए खड़ा हो, इसके अगले पिछले तमाम गुना माफ होते हो जाते हैं। बुखारी व मुस्लिम में आप पढ़ सकते हो। खड़े होने के मतलब नमाज पढ़ना, तलावत कुरान और जिक्र वगैरह में मशगूल होना है। सवाब की उम्मीद रखने का मतलब ये है कि शहरत और दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खास अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अमल करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक दोस्तों ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, जिसमें एक रात है जो हजार महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, गोया सारे ही खैर से महरूम रह गया। और इसकी भलाई है महरूम नहीं रहता, मगर वो शख्स जो हकीकत में महरूम ही है। अबिन वाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, शब्बे कदर को रमजान की आखिर अशरा की रातों में तलाश करें। बुखारी मजकूर हदीस के मुताबिक शब्बे कदर की तलावत 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं 29वीं रातों में करनी है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको इस तरह से इस सब्बे कदर की जो फजीलत है उससे महरूम ना हो, वक्त ना निकल जाए। क्योंकि आज देख रहे हो आप सभी के कितने मुसलमानों पे अल्लाह ताला की तरफ से अजाब होता है। तो मेरे भाइयों, हम सब मिलके एक ही दुआ करते हैं, बस इस रात को अल्लाह ताला हमारे अगले पिछले गुनाह बख्श दें, सब्बे कदर को कबूल कर ले, तहज्जुद नमाज पढ़ो, हम सबको खैर बरकत फरमाए, गुनाहों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़।